आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे सेकंड स्पेसिमेन की। जैसा हमने पहले क्लास के अंदर बात की थी किसकी, लेब्योरोहिता की, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिमेन की, और स्पेसिमेन में अस्थिल मछली होगी। ठीक है, आज का जो हमारी सेकंड फिश है, ठीक है, सेकंड जो स्पेसिमेन है वो कौन सा है, एंगुला। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, इल। ठीक है, या इसको सर्पोमिन कहा जाता है। सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में इसको क्यों रखा गया है, तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस के कारण, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स के कारण इसको किस में रखा गया, कॉर्डेटा के अंदर। दूसरा है ग्रुप क्रैनिएटा, क्रैनियम की उपस्थिति के कारण इसे क्रैनिएटा के अंदर इंक्लूड किया गया। सब फाइलम की बात करें तो कौन सा है, वर्टिब्रेटा, कशेरुक दंड की उपस्थिति के कारण। देन हम बात करें डिवीजन, डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा है इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जबड़े तथा संदिग्ध उपांग जो है वो पाए जाते हैं। सुपर क्लास है इसकी पीसीज। ठीक है, पीसीज मछलियों की सभी जातियों को, सभी अलग अलग स्पीशीज को किस में ऐड किया गया है, सुपर क्लास पीसीज के अंदर। क्लास है ऑस्टिकफिश, अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियों को ऑस्टिकफिश में रखा गया है। नेक्स्ट ऑर्डर है इसका एंग्विलिफॉर्म्स। ठीक है, एंग्विलिफॉर्म्स मतलब कि इसका शरीर जो है वो कैसा होता है, पतला दुबला होता है बिल्कुल, और सांप के समान होता है। ठीक है, और इसमें गिल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं चित्र के समान। जीनस है इसका एंग्विला और स्पीशीज है वल्गेरिस। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, शीतोष्ण एशिया, उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, पश्चिमी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के दूर तक, क्रिटेशियस काल से वर्तमान तक। ठीक है, आपसे क्रिटेशियस काल से वर्तमान तक पाई जाती है। अब हम बात करें हैबिटेंट हैबिटेट की, तो हैबिट स्वभाव और आवास की बात करें तो ये कैसी है, स्वच्छ जलीय मछली है। ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है, कौन सी, एंगुला। ठीक है, देन हम बात करते हैं यह एक अति भूकड़ समुद्राभिगामी होती है मछली है, कैसी है, वोरेशियस टाइप की होती है, और कैटाड्रोमस इसका माइग्रेशन होता है। कैटाड्रोमस मतलब कि वे मछलियां जो कैसी होती है, फ्रेश वाटर में रहने वाली, मीठे पानी में रहने वाली होती है, लेकिन प्रजनन के लिए कहाँ पे, समुद्रों की ओर प्रवास करती है। ठीक है, और जब प्रजनन की प्रक्रिया वापस हो जाती है कंप्लीट, तो ये वापस में आ जाती है, इनके पहले स्थल पे नदियों तथा तालाबों में आ जाती है। जल से बाहर भी ये कई घंटों तक क्या होती है, रह सकती है। देन हम बात करें प्रौढ़ जो मछलियाँ होती है, एडल्ट जो ईल होती है, वो तालाबों, नदियों, सागर के तटीय क्षेत्र तथा जल के बाहर जो नम घास या काई होती है वहां पे रहती है। देन हम बात करते हैं इसके कमेंट्स की, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की, तो सब इसको सामान्यतः क्या कहते हैं, सर्पमीन या फिर ईल कहा जाता है। ठीक है, यह लगभग कितनी, 1 से 2 मीटर लंबी हो जाती है, और इसका शरीर जो है वो कैसा होता है, लंबा पतला दुबला तथा सांप के समान होता है। देन दाएं तथा बाएं दोनों ओर की गिल विदर, जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ऑपरकुलम के द्वारा क्या होते हैं, ढके रहते हैं, जैसा मैंने बताया था, ए सीरीज ऑफ बोन्स लेबियो के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करती है, फेशियल स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य करती है, साथ ही साथ इसमें हेल्प करती है फीडिंग के अंदर और रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। इसमें प्रस्ट, डोर्सल, अवस्कर, एनाल फिन और पुंजी है। ठीक है, कौन कौन से, डोर्सल फिन पाए जाते हैं, एनाल फिन पाए जाते हैं और कोडल फिन पाए जाते हैं, जो परस्पर आपस में संयुक्त तो होकर एक कंटिन्यूस पकड़ का या फिन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें पैल्विक फिन जो होते हैं, श्रोणी पक होते हैं, उनका क्या होता है, अभाव होता है। शरीर पर छोटे छोटे शल्क त्वचा के अंदर क्या होते हैं, धसे रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होते हैं, डीपली जो है शरीर के अंदर शल्क जो है, स्केल्स जो है वो क्या है, धसे हुए। अब आप देखोगे यहाँ पे डोर्सल फिन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनाल फिन और ये है कोडल फिन, ये तीनों आपस में मिलकर एक लंबे क्या करते हैं, संयुक्त पख का निर्माण करते हैं। हेड वाले पार्ट के अंदर होता है माउथ इसका, नोस्ट्रिल्स और आईज, ठीक है, नासा छिद्र, आंख और माउथ वाला पार्ट पाया जा रहा है जिसमें हेड में, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑपरकुलम, ठीक है, प्राच्छद, जो कि क्या करता है, रेस्पायरेशन और फीडिंग में सहायक होता है और फेशियल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, सीरीज ऑफ बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कंटकों का क्या होता है, अभाव होता है। जल छिद्र छोटे, वायुकोश में वाहिनी जो है वो उपस्थित होती है, लेकिन इनमें अंड वाहिनी का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अंड वाहिनी इसमें नहीं पाई जाती। तो अब इसके अंदर वायु श्वसन के लिए सहायक अंग जो है वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं।
और स्थल पर रहते समय ये वायु को जो है वो स्किन के द्वारा क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, स्पेशल फीचर की बात करें तो ये मछली जो है वो लगभग क्या करती है, 1 करोड़ अंडे देती है जिसमें बेलांचली लार्वे निकलते हैं, मतलब इस्टुरियन क्षेत्र के अंदर जो है वो अपने आप को एडेप्ट कर पाए ऐसे जो है वो निकलते हैं, जिनको क्या कहते हैं, लेप्टोसिफल, क्या कहा जाता है ऐसे लार्वो को, लेप्टोसिफल। ठीक है, और ये लार्वा भी क्या करते हैं, इनके जो हैबिटेट होता है जैसे तालाब और नदियों के अंदर, नदियों की तरफ क्या करते हैं, फिर प्रवास करते हैं। ठीक है, और स्पेशल इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें पाए जाते हैं कौन कौन से, डोर्सल फिन, एनाल फिन और कोडल फिन, और ये तीनों ही कंटिन्यूअस मिलकर क्या करते हैं, एक सतत पंख का निर्माण करते हैं, जिस कारण से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एंगुला। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से हर डे अपन एक स्पेसिमेन की बात करेंगे, सारे स्पेसिमेन जैसे आपके सेकेंड ईयर में जो भी स्पेसिमेन है, अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऑस्टिक फिश की, देन हम बात करेंगे कॉन्ड्रिट फिश की, फिर अलग अलग जैसे रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, एविस, हर स्पेसिमेन की अपन बात करेंगे हर क्लास से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।